आपने कहा मोदी संस्थाओं को खत्म कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हमारे यहां एक कहावत है, उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। आप जरा बताइए, मुझे लगता है विचार करने की आवश्यकता है। देश में आपातकाल थोपा कांग्रेस ने, लेकिन कहते हैं इंस्टीट्यूशन मोदी बर्बाद कर रहा है। सेना को अपमानित किया कांग्रेस ने, कहते हैं मोदी बर्बाद कर रहा है। देश के सेना अध्यक्ष को गुंडा कहा, कहते हैं कि करने वाले कांग्रेस, कहते मोदी इंस्टीट्यूट बर्बाद कर रहा है। कहानियां घड़ी जाती है तख्ता पलट करने की। और कितना बड़ा हिंदुस्तान की सेना की इज्जत को आपने कितना बड़ा चेहरा दाव दिया, आपको मालूम नहीं है। आपने हफ्ते दो हफ्ते शायद अपनी राजनीति कर ली होगी, लेकिन ये जो आपने पाप किया है, मैं समझता हूं हमारी सेना के दिलों पर जो घाव लगा है, भारत की सेना तख्ता पलट करने का काम करे। ये आजादी के इतने सालों में अच्छे दिन आए हो, बुरे दिन आए हो, वीक प्रधानमंत्री रहे हो, वीक गवर्नमेंट रही हो, एक सरकार रही हो, मिलीजुली सरकार, कभी देश की सेना ने ऐसा पाप नहीं किया। हम ये बातें कहते जस अपनी राजनीति के लिए। और इसलिए मैं मानता हूं कि बहुत बुरा किया हम लोगों ने, हम एक जिम्मेवारी के लोग हैं और शासन में बैठे लोगों के द्वारा इस प्रकार की बातें हो, और आप कहें कि हम संस्थाओं को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग, इस देश का चुनाव आयोग विश्व के लिए गौरव का केंद्र बन सकता है। छोटी मोटी शिकायतें रहने के बाद भी सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग की निर्णयों को मान करके चल रहे हैं, क्या हम उसको भी बर्बाद करके रहेंगे? हम आज उस पर बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्या हम उसकी दिशा में भी कुछ सोच सकते हैं क्या? उसी प्रकार से अपनी विफलता ईवीएम पर, अपनी विफलता, मैं तो हैरान हूं, देश बजट की चर्चा करता है और ये ईवीएम का रोना रो रहे थे। ये कितनी, अरे आप इतने डरे हुए, क्या हो क्या गया है आप लोगों को? न्यायपालिका को कांग्रेस धमकाती है। मैं जिस प्रकार से न्यायपालिका के निर्णयों को कांग्रेस से जुड़े हुए लोग जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, पहले कभी नहीं हुआ है। न्यायपालिका का निर्णय अच्छा हो बुरा हो, लेकिन उसका सम्मान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूशन आखिर बचानी पड़ेगी। लेकिन हमें पसंद ना हो तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बुलवा लें, कुछ भी लिखवा दें। आप पूरी जुडिशरी को डराने के लिए, महाभियोग के नाम से पूरी व्यवस्थाओं को हिलाने के लिए कोशिश की, और आप हमें कह रहे हो? ये कांग्रेस पार्टी जिसने योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को जोकरों का समूह कहा था, मालूम है ना किसने कहा था? आज आप प्लानिंग कमीशन के इतने गीत गा रहे थे, उसी प्लानिंग कमीशन को आपके भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने जोकरों का समूह कहा था। इंस्टीट्यूशन का सम्मान, एक शब्द पकड़ लिया क्योंकि बाकी कुछ अपना तो कारोबार देखो जरा। 356 का दुरुपयोग, 100 बार, करीब 100 बार आपने किया, चुनी हुई सरकारों को आपने बर्खास्त कर दिया। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने अकेली ने 50 बार किया उसका उपयोग, 50 बार सरकारों को गिराया। और ये 2019 किस चीज की एनिवर्सरी ही आज करें, जरा मैं केरल के मित्रों को कहना चाहता हूं, केरल को 59 में
जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और इंदिरा जी कांग्रेस की अध्यक्ष थी, वो केरल गई, पता नहीं क्या देखा, क्या कह पाया, क्या सुना। आते ही केरल की कम्युनिस्टों की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया। ये 2019 एनिवर्सरी है। आप संस्थाओं का मान सम्मान की बातें करते हो, किस प्रकार से आपने देश के साथ, आपने एनटीआर के साथ क्या किया, आपने एमजीआर के साथ क्या किया।